देखिए ब्रेकिंग देखता हूँ, ये देखो ब्रेकिंग बहुत मस्त है। तो ये है न्यू MT-15 जो कि है 2023 मॉडल। सबसे पहले आते हैं इसका एक शोरूम प्राइस, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसी कारण के लिए डुअल चैनल ABS दिया है। तो ब्रेकिंग भी बहुत अच्छा हो गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। तो अभी फिलहाल चलो इस बाइक का आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग देख रहे हो विंस लेस्टर ब्लॉग। आज आपके लिए लाया हुआ एक न्यू वीडियो। तो गाइस आज का जो वीडियो होने वाला है वो है MT-15 के ऊपर। ये ब्रांड न्यू MT-15 जो न्यू मॉडल आया है, इसका ही आज रिव्यू वीडियो बनाएंगे। तो ये है न्यू MT-15 जो कि है 2023 मॉडल। इसमें कुछ न्यू अपडेट किया है यामाहा ने, तो उसके ऊपर ही आज कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इसका एक शोरूम प्राइस। तो इसका एक शोरूम प्राइस है 1,69,000। इस प्राइस में ये बाइक 155cc का आता है। सबसे पहले जो चीज़ है ये है यूजी फोक्स, ये आपको गोल्डन कलर का मिलता है। इससे पहले जो MT-15 था उसमें कोई यूजी फोक्स नहीं मिलता था, इसमें आपको यूजी फोक्स मिलता है। ये जो वर्षन है इसमें डुअल चैनल ABS नहीं है। इससे बाद में जो आया है 2023 में जो और एक वर्षन आया है न्यू अपडेट, उसमें आप लोगों को डुअल चैनल ABS मिलता है, लेकिन इसमें आप लोगों को सिंगल चैनल ABS मिलता है, आप लोग देख सकते हो। तो न्यू अपडेट में क्या क्या चीज़ आया है वो भी आज आप लोगों को बताएंगे। आपको यहाँ पे हेडलाइट मिलता है, प्रोजेक्टर हेडलाइट एंड दोनों DRL के साथ जो आई शेप में आता है, आप लोग देख सकते हो। एंड जो 2023 का जो न्यू वर्जन आया है उसमें आपको इंडिकेटर जो है वो LED कर दिया है, लेकिन ये जो वर्जन है इसमें LED इंडिकेटर नहीं है। लेकिन इसके बाद जो न्यू MT आया है उसमें LED इंडिकेटर है। एंड ये विंडशील्ड भी नहीं आता, ये एक्स्ट्रा करके मॉडिफिकेशन किया है। पीछे देखो LED इंडिकेटर लगा हुआ है, पीछे LED इंडिकेटर लगा हुआ है, ये डुप्लीकेट KTM का है। लेकिन जब आप लोग खरीदोगे 2023 का जो वर्जन है वो, उसमें आप लोगों को LED इंडिकेटर सेटअप मिलेगा बैक में एंड फ्रंट पे। इस बाइक में तो आप लोगों को डुअल चैनल ABS नहीं मिलता है, लेकिन जो न्यू वर्जन आया है उसमें आप लोगों को डुअल चैनल ABS मिलेगा। ये चीज़ यामाहा ने एक अच्छा किया है कि डुअल चैनल ABS दे दिया है, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसी कारण के लिए डुअल चैनल ABS दिया है। तो ब्रेकिंग भी बहुत अच्छा हो गया है, ब्रेक का कंपनी सेम ही है, बाय ब्रेक का आप लोग देख सकते हो ब्रेक है। तो आपको जो फ्रंट टायर एंड रियर टायर है दोनों ही ट्यूबलेस मिलता है। एंड सामने का जो टायर है वो 100x80x17 का टायर मिलता है। एंड पीछे का जो टायर है ट्यूबलेस टायर मिलता है। तो इस बाइक में आपको 155cc का इंजन मिलता है। एंड इस बाइक का BHP है 18.1 BHP है। एंड टॉर्क है 14.2 Nm का टॉर्क इस बाइक में आप लोगों को मिलता है। तो इस बाइक में आपको VVA टेक्नोलॉजी मिलता है। एंड जो टैंक है, टैंक 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है आप लोगों को। तो आप लोगों को जो मीटर मिलता है वो फुल्ली LED मीटर मिलता है। एंड इसमें आप लोगों को गियर पोजीशन इंडिकेटर, उसके साथ जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो भी मिलता है। 2023 जो वर्जन है उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, लेकिन इसमें फिलहाल नहीं है। इसमें आपको गियर इंडिकेटर, पोजीशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सब कुछ मिलता है। एंड इसमें जो आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है उसको आप ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, तो ये एक अच्छा चीज़ है। तो पीछे का जो टेल लाइट मिलता है वो LED सेटअप में आता है। एंड इंडिकेटर जो है वो भी LED आता है, लेकिन इस बाइक में LED नहीं था, तो इसी कारण के लिए चेंज करके KTM का जो फास्ट कॉपी है उसको लगाया था। तो आप लोग देख सकते हो बैक का जो टेल लाइट है कैसा लग रहा है, ये फुल्ली LED टेल लाइट है। इस बाइक में आपको जो डबल स्टैंड होता है वो आपको नहीं मिलता है, मतलब MT का कोई भी बाइक में नहीं मिलता है। तो इस बाइक में भी डबल स्टैंड नहीं है, सिंगल स्टैंड सिर्फ है। तो अभी फिलहाल चलो इस बाइक का आप लोगों को एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं। तो आप लोग एग्जॉस्ट नोट तो सुन सकते हो, बहुत ही अच्छा एक एग्जॉस्ट नोट है इस बाइक में। एंड 7000 RPM के बाद इस बाइक में आप लोगों को VVA जो टेक्नोलॉजी है वो एक्टिव हो जाता है। तो न्यू जो MT-15 है उसमें आप लोगों को डुअल चैनल ABS, उसके साथ जो इंडिकेटर है वो भी LED मिलेगा। एंड उसके साथ प्लस जो है वो ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है, लेकिन इस बाइक में नहीं है। जो न्यू वर्जन आया 2023 में, जो न्यू अपडेट आया, ये भी 2023 का ही बाइक है, लेकिन उसमें जो न्यू वर्जन आया है अभी फिलहाल, तो उसमें आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल, LED इंडिकेटर, उसके साथ डुअल चैनल ABS मिलता है। तो फिलहाल चलो अभी इस बाइक को राइड करते हैं, राइड कर बताते हैं कि कैसा है ये बाइक। सो गाइस अभी तो फिलहाल MT-15 को राइड कर रहे हैं। इससे पहले मैं एक बार ही राइड किया था MT-15, तो बाइक तो बहुत मस्त है। एंड इसमें जो USB बॉक्स है वो भी अच्छा काम कर रहा है। तो यही मेरा दिक्कत होता है कि इसका हॉर्न जो है ये हॉर्न ऊपर में है एंड इंडिकेटर नीचे है, तो ये सिस्टम क्या है मुझे पता नहीं।
तो बाइक का जो हैंडलिंग है वो भी बहुत मस्त है एंड इनिशियल पिकअप भी बहुत मस्त है। तो बाइक का हैंडलिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये देखो बहुत अच्छा है बाइक का हैंडलिंग। तो इधर पे कौन सा रास्ता से आया था मैं भूल गया हूँ, इधर पे रुकते हैं उन लोगों को आने देते हैं। तो इसके एग्जॉस्ट नोट सुनो, ओ भाई पावर अच्छा है, बहुत अच्छा पावर है इस बाइक का, बहुत अच्छा इनिशियल पिकअप भी है एंड पावर भी बहुत मस्त है। मैंने सोचा था कि उतना अच्छा पावर नहीं है लेकिन बहुत अच्छा पावर है एंड बाइक चलाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये देखो हैंडलिंग बहुत मस्त है एंड उसके साथ USD फोक्स है, इसके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। इससे पहले जो FD था उसमें USD फोक्स नहीं था। ये कौन सा रास्ता में आ गया, हाँ ठीक ही है, ठीक ही आया हूँ। तो फिलहाल हम लोग अभी, मैं तो घर पे ही जाऊंगा। एंड बाइक बहुत छोटा है, कॉम्पैक्ट बाइक है एक, मैं यामा का बाइक उतना ज़्यादा चलाया नहीं हूँ। देखिए ब्रेकिंग देखता हूँ, ये देखो ब्रेकिंग बहुत मस्त है। बाइब्रेक का ब्रेक कंपनी बहुत अच्छा है। कंफर्टेबल भी है बाइक एंड 14 BHP के हिसाब से बाइक का पावर बहुत अच्छा है एंड टॉर्क भी अच्छा है। लेकिन मुझे इस बाइक का प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही लगता है 155 cc हिसाब से। सो गाइस यही था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ये FD15 के ऊपर आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हो और ज़रूर कमेंट पर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।